हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाने के लिए 4 कटोरी चीनी ले लेंगे। इसमें हम 3 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। 2 से 3 इलायची डाल देंगे। थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें रोज़ वाटर डाल देंगे। अब इसे हम बॉयल आने तक पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे 1-2 बार चलाते रहेंगे। अब चाशनी में उबाल आ गया है, इसे हम 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। अब चाशनी बनकर एकदम तैयार है। हमें इसे एक तार या दो तार वाली नहीं बनाना है। ये मैंने 1 कटोरी मावा लिया है और 65 ग्राम पनीर ले लिया है। मावे को हम हथेली से एकदम अच्छे से मैश कर लेंगे, जब तक ये एकदम क्रीमी ना हो जाए। पनीर को भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे, जब तक ये एकदम सॉफ्ट और क्रीमी ना हो जाए। अब हम दोनों मिक्सचर को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हाथ में से अब मिक्सचर निकल गया है, इसका मतलब ये डो फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। एकदम छोटी ही बनाएंगे, जैसे नींबू की साइज होता है सिर्फ उतना ही। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। ये मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पहले हम घी गरम कर लेंगे। अब घी गरम हो गया है, अब हम इनमें गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि घी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा ही गरम होना चाहिए। इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए, गुलाब जामुन का साइज़ भी डबल हो चुका है। बीच बीच में इसे चलाते रहना है ऐसे चम्मच की सहायता से, ताकि ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। ये देखिए, गुलाब जामुन का कलर भी एकदम अच्छा परफेक्ट आ गया है। अब हम गुलाब जामुन को निकाल कर सीधा एकदम चाशनी में डाल देंगे। अब हम इन्हें चाशनी में 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अंदर तक मीठे हो जाएं। अब गुलाब जामुन बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।